जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर। वालेकुम अस्सलाम। वो हमने खत्म कर दिया था। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे जनरल नॉलेज को, और इंशाल्लाह जनरल नॉलेज के साथ साथ जियोग्राफी और करंट अफेयर्स को भी लेके चलेंगे। ठीक है? नहीं, जनरल नॉलेज है। यस यस, टेस्ट के लिए तैयार है ना, किसी वक्त भी हो सकता है। ये लोग फिर आप ऐसी खरीदा ही नहीं थी जी। जी, कंप्यूटर का और इसके अलावा थोड़ा सा अंदर जनरल नॉलेज भी आया होगा। अब कंप्यूटर आपने जो जो पढ़ा रहा होगा, आपको पता होगा कि ये उसकी क्लासिफिकेशन, जनरेशन, बेसिक इन्फो उसके बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारा कुछ जो आपने पढ़ा है उसी से रहेगा जी। हाँ, कीज भी होंगी। कीज का एट द एंड में सर, आज कंप्यूटर साइंस, उससे ये होगा कि आपको हेलो आनी होगी जी। सर बहुत, आप प्लीज किसी से चेक करवाते, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, तो समझ भी नहीं आ रहा। और मुझे ये भी नहीं पता कि आज कंप्यूटर साइंस की क्लास है, वेदर इट्स जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, सॉरी। तो प्लीज मुझे कंफर्म करते हैं, बिकॉज़ इतनी डिस्टॉर्शन है, आई कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इट। हमने यहाँ से चेक किया, यहाँ तो ऑल ओके है। या तो आप रिकनेक्ट करें अपनी डिवाइस को, यहाँ से मैंने देखा है जो हो सकता है मैक्सिमम। देखें जी एक बार फिर, स्ट्रॉन्ग फाइबर रख सकते हैं, इसके अंदर कोई वो भी नहीं है। जी कुछ बेहतर हुआ जी? आवाज में, आवाज बेहतर रही है, स्क्रीन अभी भी स्टक हुई, लेकिन आई कैन मैनेज टू अंडरस्टैंड इट नाउ। चलिए ठीक है। अच्छा जी, जनरल नॉलेज से रेलिवेंट कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर्स की आती हैं और जनरल नॉलेज में भी, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के मार्क्स भी। तो कुछ चीजें मैंने आपके लिए ना शॉर्ट लिस्ट की है, जो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये आपको पता होगा, अभी रिसेंट इवेंट्स आई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेन मेन चीजें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, नंबर एक, ये कब से कब तक हुआ है जी? एक माह ऑलमोस्ट चला है, 4 अप्रैल से 3 मई तक इसका ड्यूरेशन था, 1 मंथ। ठीक है जी, तो यही कह रहा हूँ, 4 अप्रैल से 3 मई तक। 4 अप्रैल को शुरू हुआ, सॉरी मार्च अप्रैल का है। ये 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक है। ठीक है, तो ये इसका जो है 1 मंथ इसका ड्यूरेशन था। एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि ये कितना वर्ल्ड कप था। ठीक है जी, ये था 7th वर्ल्ड कप वुमेन का, और कहा हुआ है? न्यूजीलैंड में। हाँ, लेकिन इसका होस्ट न्यूजीलैंड का, ऑफिशियल होस्ट जो है वो न्यूजीलैंड का। ठीक है, न्यूजीलैंड के बारे में एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा जो मैं भी आपने ना सुनी हो आज तक। ठीक है, अच्छा जी,
और इसके बारे में जो मेन चीज है, इसके पार्टिसिपेंट कितने थे? 18. ये पॉसिबल एमसीक्यू है जो इससे रिलेवेंट को आपसे पूछ सकता है. नहीं, सिर्फ आपने टीम्स याद रखनी है कि कितनी टीम्स थी, नंबर ऑफ टीम्स आपको पता होना चाहिए, नाम भी जरूरी नहीं है. और लूजर और विनर का मतलब विनर और रनर अप का पता होना चाहिए. विनर इसमें ऑस्ट्रेलिया था और रनर अप जो है इसके अंदर वो इंग्लैंड था. ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो विन किया है 71 रन से. ऑस्ट्रेलिया बॉल बाय 71 रन. ठीक है, हाँ जी. और रनर अप जो है वो थी इंग्लैंड. ठीक है, यस, उसी की वजह से तो ये मैच जीते हैं जिसका आपको जी एलिस एली नाम था, लिखने में एलिसा आएगा. जी आगे चलते हैं सरकार की बात. जी लिखने में पर्सनली रहना भाई, लिखने में एलिसा आएगा, पढ़ने में एलिस एली. एलिस एली है, इसने जो है 170 रन स्कोर किया है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, अब तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल रन है एवर इन मेन और वुमेन वर्ल्ड कप. फाइनल में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में 170 रन किसी ने नहीं किया. जी ओवरऑल वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में किसी ने इंडिविजुअली इतना रन स्कोर नहीं किया जो उसने किया है, इस वजह से इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है. ठीक है, एक बार आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो अभी लेटेस्ट इवेंट था जिसके बारे में वो क्वेश्चनिंग कर सकता है पेपर में. सबसे पहले वो ये पूछ सकता है ये कितनवां वर्ल्ड कप था, ये 7वां वर्ल्ड कप था. दूसरा, इसका ड्यूरेशन कितना था? 1 मंथ ड्यूरेशन था ऑलमोस्ट. ठीक है, 3 मार्च से 4 अप्रैल तक. ठीक है, और इसके बाद इसकी होस्ट कौन था? ऑफिशियल होस्ट इसका न्यूजीलैंड था. ठीक है, 8 टीमें थी इसमें. ऑस्ट्रेलिया ने 71 रन से ये मैच जीता है. रनर अप टीम इंग्लैंड थी और इसके अंदर हाईएस्ट स्कोरर जो है वो एलिस हेली है जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, 170 रन से स्कोर किया है जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल रन एवर. हेली हेली हीली कहते हैं बेसिकली, हील से है हीली. ठीक है जी. अच्छा अब एक और चीज, मुझे नहीं पता था जो इतनी डेप्थ में जा के इसके ऊपर चले. जी जी अच्छी बात है, जनरल नॉलेज है ये भी होना चाहिए. तो अच्छा जी, एक और चीज जो आपको बतानी थी इतनी समझ आ रही है ना आपको, एक है जी वर्ल्ड थिएटर डे, इसका क्या मतलब होता है? वर्ल्ड थिएटर डे, ऑपरेशन थिएटर डे, कौन सा थिएटर है? यस, वर्ल्ड थिएटर डे, इसका पर्पस क्या होगा? इसको मनाया जाता है कि 27th of March एवरी ईयर. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? अब देखे ना कुछ कुछ फजूल काम भी है. अच्छा कहते हैं जिस चीज की ओरिजिनेशन अमेरिका से होगी ना उसके अंदर इस तरह की वो शोकियां ओछापन और इस तरह के काम सारे बहुत ज्यादा होंगे. अब जैसे रिसेंटली आपको पता होगा वो 96 मीटर लंबी कार इन्होंने बनाई है और ऐड किया उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में. वो भी एक अमेरिकन था, उसके पास करने को और कोई काम नहीं था, उसने 96 मीटर लंबी कार बना दी. उस कार के अंदर स्विमिंग पूल भी है, उस कार के अंदर डाइनिंग हॉल भी है, ड्राइंग रूम भी है, वॉशरूम भी है, सारा कुछ है. हाँ 96 मीटर लंबी कार है तो आप सोचे क्या होगी. तो खैर ये वर्ल्ड थिएटर डे है, इसका मकसद क्या है कोई बता सकता है?
एंटरटेनमेंट क्रिएट करता है, इसका पर्पज है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो हर साल 27 मार्च को जो है ये वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह रिसेंटली क्योंकि ये मार्च था तो मार्च में ही वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है। ये मनाया जाता है कि 22 मार्च को रहा था। इसका पर्पस क्या है? रिगार्डिंग नहीं, प्रिजर्वेशन रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। बेसिकली समंदर के अंदर ये जो गार्बेज और वेस्ट वगैरह है इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसको साफ करना, क्लैरिटी लेके आना समंदर के अंदर। अब तो इस पर कार्टून भी बन गए हैं। 2-3 दिन पहले मेरा भांजा आया हुआ था घर, तो वो एक कार्टून लगते हैं टीवी पे मोटू पतलू, वो लगे हुए थे। तो उसके अंदर दिखाया कि वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है कोई, तो उसका डिस्पोजेबल ग्लास होता है मोटू का, वो खाली होता है तो वो समंदर में फेंक देता है, तो वो एकदम से ना अंदर से वेव निकलती है और वेव निकल के क्या करते हैं उसको जो है ना वो उठा के समंदर में ले जाती है। वो समंदर में जाता है तो कहता है मैं सांस कैसे ले रहा हूँ, थोड़ी देर में पांव गायब हो जाते हैं और सिंह आ जाते हैं उसके, मतलब मछली बन जाता है। तो फिर उसको फील होता है कि अंदर कितनी गंदगी है और जो समुद्री हयात है वो किस तरह से यहाँ पे सांस ले रही है। तो मतलब फिर वो तौबा टाइप होता है कि आएगा हम जो है वो गंद नहीं फेंकेंगे समंदर में वगैरह वगैरह, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोग यहाँ तक आ रहे हैं। तो इसी सेंस में ये वर्ल्ड वाटर डे है, हर साल 22 मार्च को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और बस ये हर मंथ के अकॉर्डिंग कोई ना कोई इवेंट होता है, तो हम इसी मंथ के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जो अभी रिसेंट गुजरे हैं, क्योंकि पेपर के अंदर वो उठाता है जो लास्ट 6 मंथ है या अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर है वो इसको उठाता है, तो उससे रेलिवेंट जो भी काम होगा जो भी डाटा होगा वो हमने आप तक डिलीवर करना है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिख सकें, ठीक है। अब इसका एक थीम भी था, इसका थीम क्या था जी? इसका थीम ये था मेकिंग इनविजिबल विजिबल। अब इसका मतलब क्या है कि आप समंदर में, दरियाओं में, नहरों के अंदर, अब ये आप देख लें जिन जिन जगहों से नहरें गुजर रही हैं वहां पर कितना गंद, गटरों का जो है सीवरेज का पानी, गार्बेज, हर चीज उसमें फेंकी हुई होती है, तो क्या वो जो एक्चुअल वाटर है वो इनविजिबल हो जाता है, वो नजर ही नहीं आता है कि नहीं। तो इसका पर्पज ये है कि आपने सफाई लेके आनी है, इनको साफ करना है कि मेकिंग इनविजिबल विजिबल, कि जो चीजें इनविजिबल है नहीं नजर आ रही ना, तो पानी में क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है नीचे अगर कुछ है तो वो भी आपको ऊपर से क्लियर नजर आना चाहिए कि इसके नीचे ये है, जैसे गिलगित में है, सवात में है, या हमारा जो बल्तिस्तान के एरिया है वहां पर पानी है, इस तरह से होना चाहिए। तो ये इसका थीम था जी, समझ आ गई? फ्रेजर किधर गया? अच्छा जी, अब एक चीज है जी, इसको हम कहते हैं G20। G20 आपको पता ही होगा, पता चल गया ग्रुप ऑफ 20। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक चीज रहती है जो बाकी किसी भी ग्रुप से एंटायरली डिफरेंट है। दो 8 10 15 20 ममालिक
वो सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं विद इन द सेम टेरिटरी, किसी एक ही प्लेनेट पे अपना सॉरी किसी एक ही सब कॉन्टिनेंट पे, किसी एक ही रीजन पे और किसी एक ही बॉर्डर लाइन के ऊपर वो बने ही हैं। ये वाहिद सीरीज है G20 जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है, इसके अंदर पूरी दुनिया के मालिक शामिल है, ठीक है। पहली बात, अब मिसाल की ऐसे ले लें, इसके अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका भी है, इसके अंदर अरेबियन पेनिनसुला से सऊदी अरेबिया भी है, ठीक है, इसके अंदर फार ईस्ट जो है वहां से जापान भी है, इसके अंदर जो है सब कॉन्टिनेंट में से इंडिया भी है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो अमेरिका भी है, वो साउथ अमेरिका का अपना नॉर्थ अमेरिका में चले जाए, पूरी दुनिया के अंदर ये फैला है। एक तो ये की पॉइंट जो है वो बाकी उससे डिफरेंट है। सेकंड इसकी जो डिफरेंस है वो क्या है जी, कि इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कितने हैं, जी 19 मेंबर कंट्रीज प्लस ईयू यूरोपियन यूनियन, 19 ममालिक के मेंबर है, 20वां यूरोपीय यूनियन है, और यूरोपीय यूनियन के अपने ममालिक कितने हैं जी, 27 मेंबर हैं। तो अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो ये बन जाते हैं 46 मेंबर, ठीक है। लेकिन अब यहां एक टेक्निकल क्वेश्चन रेज होता है, उससे इसको G20 क्यों आया, G46 क्या रहता था उसका, ज्यादा था हो सकता था ना, 27 मेंबर है ना पूरी ममालिक के, 27 और 19 को 46 होता है। आप में से कोई बता सकता है कि उसने इसको G20 क्यों आया G46 की बजाय, जी नो ग्रुप इनटू ग्रुप होता है कभी, इंडिविजुअल इनटू इंडिविजुअल होता है, जो कि बनता है इंडिविजुअल के ऊपर ग्रुप बनता है, ठीक है ना, और ग्रुप प्लस ग्रुप जो है वो जनरल ग्रुप बनता है। तो इसमें ये क्या तरीका कार है कि एक ग्रुप और 19 जो है वो इंडिविजुअल उठा के उन्होंने G20 कर दिया, इसकी रीजन क्या है, नो एक सॉलिड रीजन है, मैंने आपको हफ्ता या दो हफ्ते पहले जीके के ही सेशन में एक चीज बताई थी कि यूरोपीय यूनियन द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन थ्रू आउट द वर्ल्ड, कैसे कि उन्होंने क्या किया, इसके 9 ममालिक जो है वो पावरफुल हैं और रिमेनिंग इसके जो कंट्रीज हैं वो हैं मतलब के थर्ड वर्ल्ड तो नहीं कह सकते उनको, मतलब के वो बहुत ज्यादा लो लेवल के हैं एज कंपेयर टू सिविलाइज्ड नेशन, अदर सिविलाइज्ड नेशन। तो इन्होंने क्या किया कि उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए वो जो 27 के 27 ममालिक है इनकी अपनी जो करेंसी है उसको खत्म कर दिया है और यूरो को इन सब की करेंसी जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा कि उनका जो वो जो डाउनफॉल था जिन कंट्रीज का उनका इकोनॉमिक सेटअप एकदम से बूस्टअप कर गया है, क्यों, यूरो की वैल्यू आपको पता है उनकी लोकल करेंसी से कितनी ज्यादा है, तो इसलिए जहां पे यूरोप में यूरो की वैल्यू थी ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन के जो बाकी मेंबर थे वहां भी उनकी वैल्यू वही हो गई और उसकी वजह से उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो अपग्रेड हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इन 27 मेंबर्स की ना सिर्फ अपना डिफेंस अलायंस है बल्कि ट्रेड अलायंस भी है। ट्रेड अलायंस में अब क्या होता है जी, तिजारती तौर पर एक दूसरे के साथ मिलना है, आपने किस तरह मिलना है कि ये 27 ममालिक है, इन 27 में से कोई भी एक दो या चार मुल्क किसी दूसरे मुल्क से चाहे वो इसका मेंबर नहीं भी है ट्रेड करेंगे और उसके लिए इन 27 ममालिक में से किसी के भी रूट बॉर्डर जो है वो तो रूट कंसिडर होंगे, भाई वहां से माल गुजरना है तो वो इन 27 ममालिक में से किसी भी मुल्क का अगर माल जा रहा है किसी दूसरे मुल्क को वो उसे टैक्स नहीं देंगे, हाँ जी टैक्स नहीं है वो एक दूसरे के लिए, और ऐसे सपने भी ये 27 मुल्क नहीं है बल्कि ये 27 मुल्कों से मिलकर ये एक मुल्क बन गया, जैसे सोवियत यूनियन वाला सेटअप नहीं था पुराना, ये उस पैटर्न पे चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको एज एन इंडिविजुअल गिना, वो कहता है ईयू इंडिविजुअली गिना जाएगा वहां पे, आगे ईयू की मर्जी है, जैसे पाकिस्तान है
मेंबरशिप होती है तो वहां पाकिस्तान गिना जाता है, आगे पाकिस्तान की मर्जी है वो अपने पांचों सूबों को किस तरह से डिवाइड करेगा, किस तरह से वो डिवीजन देगा, शेयर देगा सारा कुछ, ठीक है ना। तो इसी तरह उन्होंने 20वां मेंबर इसको बनाया, वो आगे इसकी मर्जी है, वहां पे बेनिफिट लेके आगे इस तारीख पे किस तरह का क्लेम करता है वो उसकी मर्जी है, समझे बात को। इस वजह से इसको एज एन इंडिविजुअल गिना गया और ये G20 में आता है। इसके कितने मेंबर है जी? 20। लेकिन देखें पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इंडिया है। और इसके बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? September 1999। अच्छा, इसमें प्रेसिडेंट नहीं होता, इसके अंदर होता है चेयरमैन। इसका जो चेयरमैन है जी, चेयरमैन है इसका जोको विडोडो। अब ये जोको विडोडो कौन है जी? प्रेसिडेंट है किसका? इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया क्यों मशहूर है? यस, चेयरमैन है जोको विडोडो, जो के प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया का, ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर एक और चीज है, अब तक इसके कितने सुमित हो चुके हैं? सुमित किसको कहते हैं जी? अब तक इसके 7 सुमित हो चुके हैं। क्लियर है जी? और सातवां ये जो अभी लास्ट सुमित है, ये कहां हुआ था? रोम, इटली, 2020 में, और सॉरी 21 में। अब आठवां समिट जो है इसका, वो होना है अक्टूबर 2022 में, जो इसका 8th समिट है, वो होना है अक्टूबर 2022 में, कहां पे? बाली में। और बाली कहां पे है जी? इंडोनेशिया, जजीरा है बहुत खूबसूरत। और मजे की बात, इसका अगला सेशन कहां होना है? 2023 में, 9th सेशन इसका, उसके लिए ऑलरेडी होस्टिंग दे दी गई है। और मजे की बात, जिसके पास इसकी होस्टिंग होगी उसी के पास इसकी प्रेसिडेंसी भी होगी उस साल की। नहीं, प्रेसिडेंसी होगी, चेयरमैनशिप में होगी, चेयरमैन। नहीं, प्रेसिडेंसी है इसकी। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि इसका 9th सेशन कहां पे होगा 2023 में, कहां होगा? इंडिया में। कामयाब है ना, तो आपको आपके दुश्मन के बारे में सारी इन्फो होनी चाहिए, दोस्त के बारे में सारी ना होता है। एक बात फिर देखेंगी, वो अभी डिक्लेयर नहीं किया है, मुंबई में ही होगा हुआ। तो G20 है जी, ग्रुप ऑफ 20। इसके बारे में जो यूनिक चीजें हैं वो दो हैं। एक तो ये है कि इसकी जो ग्रुपिंग है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है। दूसरी इसके बारे में जो यूनिक चीज है वो ये है कि 19 मेंबर कंट्रीज हैं, जबकि 20वां यूरोपीय यूनियन है इसके अंदर। और यूरोपीय यूनियन के इटसेल्फ कितने मेंबर हैं? 27। ठीक है, 26 सितंबर 1999 को इसकी फॉर्मेशन हुई है। चेयरमैन इसका जोको विडोडो है, जो कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया का। 7 सेशन अब तक इसके हो चुके हैं। जो आखिरी सेशन है इसका वो रोम इटली में हुआ है। नेक्स्ट सेशन जो है इसका वो बाली में होना है, इंडोनेशिया में।
ठीक है, और आगे 2023 की इसकी जो सेशन होगा वो होगा इंडिया में। अच्छा जी, इसके बाद ये मार्च के अकॉर्डिंग ही आपको एक और चीज बता दूं, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी लास्ट मंथ मनाया गया है। किस तारीख को? यस, वाटर डे भी इसी में, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च, 21st of March। यहां तक क्लियर है जी? अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, ये एक ब्रिज का नाम लिखा है जी, इसको कहते हैं कैनाडियन ब्रिज। ये बना था 1915 में, अभी इसकी इंपॉर्टेंस ये है, मैंने आप लोगों को टर्की का मैप बना के दिखाया था, कितने लोग हैं जिन्होंने मैपिंग की हुई है, थोड़ी के बहुत, बस आप कहने हैं, आप ही नहीं दिए, आपने नहीं है मैपिंग। अच्छा चलिए मैपिंग भी करवाते हैं आपको, देख लेते हैं, ये देखें जी जरा, ये इस तरह से जी मैप है टर्की का, ठीक हो गया, ये और ये तुर्की है, ठीक है। यहां पे फ्लैग सी है, यहां पे आपका एजेंसी है, यहां पे सी ऑफ मरवरी है, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है बड़े वाला, ये 97% है अप्रोक्सीमेटली, इसको हम कहते हैं एनाटोलिया, तुर्की का ये हिस्सा जो 97% एशिया में है, और ये 3% तुर्की यूरोप में है, जो एनाटोलिया वाला हिस्सा है ये एशिया में है, तुर्की का हिस्सा इसको हम एनाटोलिया कहते हैं, और ये जो 3% हिस्सा है ये यूरोप में, इसको हम थ्रेस कहते हैं, थ्रेस, ठीक है। और इस थ्रेस में ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये इस्तांबुल है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारा इस्तांबुल है। और इस्तांबुल का मतलब क्या होता है, चले उसका मतलब क्या होता है, इस्तांबुल का कला, ठीक है। अब ये वाली जो जगह है ना, सी ऑफ मर्मरा और ब्लैक सी, इसको मिलाती है बॉस्फोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू बिग वाटर्स, यहां पे है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो ब्लैक सी और सी ऑफ मर्मरा को आपस में मिलाती है। इस बॉस्फोरस स्ट्रेट के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जो एनाटोलिया वाले इस्तांबुल को थ्रेस वाले इस्तांबुल से मिलाता है, ठीक है। इस ब्रिज को कहते हैं बॉस्फोरस ब्रिज, ठीक है। और उसके बाद ये जो एजेंसी है और सी ऑफ मर्मरी है इसके दरमियान यहां पे जो स्ट्रेट है इसको कहते हैं डार्डनेल स्ट्रेट, ये यहां लिख देता हूं आपको, डार्डनेल स्ट्रेट, ठीक है जी। अब यहां पे ये जो डार्डनेल स्ट्रेट गुजर रही है ना, हाँ, अब यहां पे ये जो डार्डन है इसको समझाने लगाऊंगा, ये समझिएगा, यहां पे ये जो डार्डन है स्ट्रेट गुजरती है ना, इस स्ट्रेट के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, इसको कहते हैं कैंकल ब्रिज। ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है इसके ऊपर बना हुआ है इसको कहते हैं बॉस्फोरस ब्रिज। हम बात कर रहे हैं कैंकल ब्रिज की, ये जो यहां पे बना हुआ है 1915 में ये क्रिएट हुआ था, और
उसने ये था कि तुर्की 2023 तक जो भी यहाँ से गुजरेगा ना यूरोपियन कंट्री, क्योंकि यूरोप का हिस्सा तीन सीजन का और ये स्कैंडिनेवियन सीजन जो है वो एशिया का हिस्सा है, कि जो भी जहाज यहाँ से चीजें लेके गुजरेगा आप उससे टैक्स वसूल नहीं करोगे 2023 तक। हाँ 100 साल तक नहीं, मोर देन 100 ईयर्स था बारह, लेकिन ये कि 2023 तक 2013 में इस पर पाबंदी लगी थी जब ये बना था, लेकिन 1915 में 1915 में ये फंक्शनल हो गया था। तो 2023 में अब यकम जनवरी 2023 से जो भी यहाँ से शिप गुजरेगा तुर्की की मर्जी है वो इसको बंद कर दे, रास्ता दे या ना दे, पैसे लेके जाने दे, मतलब ये तुर्की के लिए बड़ा जबरदस्त पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस दार्डानेल स्ट्रेट के ऊपर जो ये ब्रिज बना हुआ है इसको कहते हैं कैंटल ब्रिज। ये जो कैंटल ब्रिज है इसकी क्वालिटी क्या है, लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज एवर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज है ये। अब हैंगिंग ब्रिज किसको कहते हैं, जिसके अंदर कंक्रीट यूज नहीं हुआ था होता, नहीं रोप स्ट्रक्चर है ये, इस तरह से आपने देखा होगा इस तरह से पोल होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ये अंदर से ब्रिज गुजर है ऐसे। अब यहां से ना लेकिन वो छोटे हैं, वो 1300, 1200, 1200, 1800 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4608 मीटर जी, 4608 मीटर इसकी लेंथ है और लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज एवर इन द वर्ल्ड है ये, ठीक है जी, याद रहेगा। और ये बना किसके ऊपर हुआ है, जी अच्छा जी एक बार इसको फिर देख लें फिर आगे चलते हैं। मैंने बताया कैनेडल ब्रिज है, 1915 में ये फंक्शनल हुआ था, ठीक है जी, और ये एनाटोलिया और थ्रेस के दरमियान जो डार्डानेल स्ट्रेट है उसके ऊपर बना था, और डार्डानेल स्ट्रेट कौन सी है जो एजल की और टी ऑफ फरवरी को आपस में मिलाती है, ठीक है, इसके ऊपर ये ब्रिज बना है जिसको हम कैंटल ब्रिज कहते हैं, और ये लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज एवर इन द वर्ल्ड है और उसकी लेंथ 408 मीटर है। इज दैट क्लियर जी, आगे चलिए, आखिरी फैसला है। अच्छा जी अब कुछ स्केल है जिनके बारे में वो पेपर में पूछता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बड़ा मशहूर स्केल है जिसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल जी, रिक्टर स्केल सही है। हाँ जी रिक्टर स्केल है, इसको क्यों यूज किया जाता है, अर्थक्वेक की शिद्दत को महसूस करने के लिए, कि जमीन में जो जल्जला आया उसकी शिद्दत क्या है, ठीक है। एक और चीज है, ड्यूपॉन्ट स्केल, ये क्या होता है, ड्यूपॉन्ट स्केल होता है विंड स्पीड मेजर करने के लिए, ये होता है अर्थक्वेक के लिए, ये होता है विंड स्पीड मेजर करने के लिए, ठीक है। और एक और है जिसको कहते हैं मीटर सेकंड स्केल, मीटर सेकंड जो है ये व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए होता है, स्पीड इन मीटर पर सेकंड, इसको कहते हैं मीटर सेकंड स्केल, स्पीड को मेजर करता है इन मीटर पर सेकंड,
एक बार फिर देख लें, रिक्टर स्केल जलजले की शिद्दत में सेंस करता है, ड्यूफोर्ड स्केल विंड स्पीड जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है, मीटर सेकंड स्केल जो है ये स्पीड मेजर करता है इन मीटर पर सेकंड के, कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रहा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक और चीज, अभी रिसेंटली एक इवेंट कौन हुआ है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की तरह, जी स्नोकर चैंपियनशिप हुई है अभी, आईबीएसएफ, हाँ जी आईबीएसएफ जो है इसकी स्नोकर चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान जीता है और इंग्लैंड रनर अप था, तो ये अच्छा इवेंट है और दूसरा करंट भी है, तीसरा हमारे मुल्क से रेलिवेंट भी है, तो इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए। तो अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरा देख लेते हैं कि ये कितनवा चैंपियनशिप था। ये था जी 46th चैंपियनशिप, 46वां जो है ये चैंपियनशिप था, ठीक है। और ये भी 16 मार्च से 2 अप्रैल तक हुआ है, 16 मार्च से 2 अप्रैल 2022 तक। कहां पे हुआ है जी, वेन्यू था इसका दोहा, ठीक है, यस कतर। अब इसमें रनर अप टीम जो है वो थी इंग्लैंड की, मतलब इंग्लैंड का था रनर अप, और जो विनर है वो है पाकिस्तानी, उसका नाम है एहसन रमजान, इसका विनर है पाकिस्तानी, उसका नाम है एहसन रमजान, और उसको ये स्नोकर चैंपियनशिप जीतने में कितना इनाम मिला है, 5,00,000 यूरो। मल्टीप्लाई कर ले नहीं, तकरीबन इतना ही है, 203-204 ही है, ठीक है जी। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। ईसीजी किस चीज का एब्रिविएशन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का एब्रिविएशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये किस चीज के लिए होता है, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट या एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, उसके बारे में बताता है आपको। ईईजी क्या होता है, ईईजी जी इलेक्ट्रोएनसीफालोग्राम, इलेक्ट्रोएनसीफालोग्राम ईईजी, और ये कितनी होता है जी, नो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ईसीजी होता है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के लिए, ईईजी होता है फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और मैं करंट अफेयर पढ़ रहा था, उसमें मैंने खबर पढ़ी है, तो खबर पढ़ते मुझे ख्याल आया कि यार देखें, हम लोग एक दूसरे से जाति दुश्मनी या जाति मुनाफत निकालने में
किस हद तक आगे गए हैं कि जो हमारा अपना बेड़ा गर्क हुआ है, इसके बावजूद हमने कहते हैं कि दूसरे भी काम का आदो और नाम पले आदो। अब इमरान खान रिसेंटली गया है, आपको पता है कि ये रशिया गया था तालिबान आपस से वार करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इशू बने थे, लोगों को आग भी लगी थी। अब दूसरी गवर्नमेंट आ गई है तो जो नए वजीर आलम साहब है उन्होंने आपके ये है वो ऐलान कर दिया कि हम यूक्रेन को 60 बिलियन रुपीज पाकिस्तानी 60 बिलियन रुपीज प्लस 2 एयरक्राफ्ट इमदाद देंगे। भाई उल्लू के पट्टो अपने मुल्क में से चल नहीं रहा है, यहाँ पे आप चीजें रमजान के अंदर 400-400 गुना रेट पे बेच रहे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तुम यहाँ अपने आवाम को सब्सिडी दे दो किचन आइटम्स पे और दूसरी चीजों पे, फ्रूट्स पे, और कोई पैकेज निकाल दो, रिलीफ पैकेज कोई दे दो, कोई बिजली के अंदर जो है उनको सब्सिडी दे दो, 60 बिलियन रुपीज जो है वो मांग ले लो आप, कौन अदर मन जाएगा यार जी। नहीं अगर वो जमा हुए ना तो फिर वो आवाम के तरफ से लगा दे। अच्छा जी आगे चलते हैं, अगला इवेंट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रेन लाइन किस कंट्री की है और उसकी लेंथ क्या है? नो तुर्की में कहां से आ गए? चाइना। नहीं लेकिन उसमें इतनी लंबी नहीं है ना कि वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट में की नहीं जा सके। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन सबसे लंबी तरीन मेट्रो लाइन दुनिया की वो है चाइना की और इसकी लेंथ है 831 किलोमीटर 831 किलोमीटर लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन इन द वर्ल्ड है ये जी 831 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है जी? अच्छा आर्मी में एक डेजिग्नेशन होता है जिसको हम कहते हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और होता है, मैं कह रहा हूं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है इसका एक चेयरमैन होता है, वो हम तीनों से हट के होता है और अगर असूली तौर पे देखा जाए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज्यादा वैल्यू होती है उसकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की। यहाँ पे अक्सर लोग ये समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन है आर्मी में, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सबसे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो सबसे वैल्यूएबल पर्सन होता है क्योंकि वो एक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनी हुई है, उसका चेयरमैन होता है जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, डीजी कोस्ट गार्ड है और इसके अलावा जितने भी रेंजर्स और दूसरे हैं आईएसआईएस सबके जो हेड हैं वो उसमें शामिल होते हैं और उन सब हेड के ऊपर एक चेयरमैन होता है जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जाता है। क्वेश्चन इज दैट ये जो डेजिग्नेशन है ये कब क्यों कैसे तक नहीं हुआ पता है? No, 1976 में जी ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्रिएट किया था, देन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसकी क्रिएशन का पर्पज क्या था कि जितने भी फोर्सेस के हेड हैं उनको एक पैनल पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के बाद उनसे उनकी राय ली जाए डिफेंसिंग मेजर्स के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्रिएट की जाए। तो ये देखा जाए तो एक बड़ा अकलमंदाना कदम था जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से किया गया था। ये गूगल कर ले मुझे पता नहीं है अभी बताने का मकसद ये था कि ये जो डेजिग्नेशन क्रिएट हुआ है ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है इसकी रीजन क्या थी।
देखिए आप कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा वो अच्छा ही काम करेगा ना उसके अकॉर्डिंग। जब आप तकरीब कारों को गए गुजरे लोगों को आप लेके आएंगे अपने हेड ऑफ स्टेट बनाएंगे तो उन्होंने उल्टे काम ही करने हैं। भुट्टो एक पढ़ा लिखा आदमी था इसलिए उसने इस तरह के काम किए थे क्यों कि जिससे मुल्को कौम का फायदा हो भला हो। अब ये जो क्रेडिट लोग लेते फिरते हैं बाद में एटम बम का ठीक है ना, तो डॉक्टर नूर मोहम्मद खान के साथ मिलके 16 जनवरी 1972 में ये प्रोजेक्ट भी भुट्टो ने ही शुरू किया था और कहां शुरू किया था मुल्तान में ठीक है। हाँ जी मीटिंग हुई थी यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जी वो पाबंदियां लगाएगा अमेरिका कि आप ना बनाओ आपके डिफेंस के लिए हम हाजिर होंगे। तो आप क्यों हाजिर हो हम खुद करेंगे। उन्होंने कहा आपके पास पैसे कहां से आएंगे आपके पास पैसे नहीं है कौम खाएगी क्या अगर एटम बम बनाएगी। उन्होंने कहा हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट उसका इनिशिएट किया हुआ है जिसका क्रेडिट बाद वाले लोग लेते हैं। तो खैर ये सारे के सारे जो हैं वो इसके मैयर से। नेक्स्ट है जी ब्लू ओरिजिन। ये ब्लू ओरिजिन क्या है? जी ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जो कि जेफ बेजोस ने बनाई है और बेजोस और इसका पर्पस क्या है जी ये कला में टूरिस्ट को लेके जाएगी सैर बनाने के लिए स्पेस में एक रॉकेट के जरिए जिसका नाम है न्यू शिपर्ड है रॉकेट का नाम। जिस रॉकेट के जरिए ये कलाम लेके जाया जाएगी किसको टूरिस्ट को। साल 2022 में इसने 13 फ्लाइट शेड्यूल की हैं स्पेस के लिए ठीक है। 13 फ्लाइट जो है वो शेड्यूल की है जिनमें से 3 फ्लाइट जा चुकी हैं और लास्ट फ्लाइट अभी सैटरडे को गई है इसकी इस सैटरडे। 13 फ्लाइट इसने 2022 में भेजी है जिसमें से 3 फ्लाइट अब तक जा चुकी हैं और आखिरी फ्लाइट जो गई है उसके अंदर जो क्रू मेंबर्स थे वो 6 थे। न्यू शेपर्ड SHEPARD शेपर्ड हाँ तो लोग थोड़े पड़े हैं दुनिया में अमीर हैं यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 7 करोड़ की आबादी के लिए मेट्रो बनाया है और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कलाम सर आ रही
सर आवाज नहीं आ रही। नहीं है म्यूट इसका, वैसे कोई इशू है, डिस्टॉर्शन आ रही है, पता नहीं आज क्या, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हाँ ये इब्तदाई मरहला है डेस्टिनेशन रेडी का, लेकिन अब जो है ना हालात इससे बहुत आगे चले गए हैं। पहले समझ आती थी कि चले नहीं है, अच्छा पहले जो है ना वो दौर भी अच्छा था, जो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले या इवन 50 साल पहले भी, 20 साल पहले नहीं, अभी आज से 40 या 50 साल पहले तक अगर शादियां होती थी ना, घरों के अंदर जो है मेहमान आते थे, ठीक है, बकायदा रहते थे, जो घरों के अंदर कुतियां, बहनें, चाचियां या और रिश्तेदार हैं, वो महीना महीना 20-20 दिन पहले आ जाया करते थे, एक गेट टुगेदर होता था, एक खुशी का समा होता था। तो हमारे कल्चर से रेलिवेंट अगर चीजें आपने देखी, ये जो पंजाबी इंडियन मूवीज है इनको देखें, इनमें बड़ा जबरदस्त कल्चर दिखाया है, जो एक्चुअल कल्चर हुआ करता था हमारे पंजाब का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे वाले तो गंडासे और गुजर से नीचे बात नहीं करते ना, तो वो दिखाते हैं आपको आपका एक्चुअल कल्चर होता क्या है। तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, आते थे घरों के अंदर बुजुर्गों की दुआओं के साथ, हैप्पीनेस के साथ आप जो है शुरुआत करते थे एक नई जिंदगी। अब हॉल्स, इवन शादी वाले घर में भी अगर आपने बाहर लाइटिंग ना की हो तो पता नहीं चलता कि इधर शादी थी, क्यों, घर वाले बंदे घर में हैं। आजकल जो है हालात जो मैंने खुद से फेस किए हैं अपने एक दो कजन्स की शादियों पे, इवन अपनी शादी पे, जो आपके आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं मेंबर्स, जो गेस्ट है आपके, चाहे वो आपके क्लोज रिलेटिव भी क्यों नहीं है, कोई शादो नाजिर होता है जो आपके घर आके रहे, अदरवाइज वो ज्यादातर क्या कहेंगे, होटल बुक करवाया हुआ जी हमने, हम अपना होटल में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे कैंट से थोड़ा पहले बना हुआ है हाईकोर्ट के पास होटल वन, मेरी शादी में जो रिलेटिव आए थे वो होटल वन में रुके हैं, मेरे मामू वगैरह थे, हालांकि रीजन कि हमने भी अपनी और उनकी कंफर्ट का ख्याल रखना है, बाहर में गई कंफर्ट काम के लिए आए एंजॉय करे। वो वजह क्या है कि इंसान इस हद तक जात परस्त हो गया है कि जब मैं चाहूं मैं सो जाऊं, जब मैं चाहूं मैं जाग जाऊं, जब मैं चाहूं मैं खाना खाऊं, जब मैं चाहूं मैं नहीं जाऊं, ना चाहूं तो ना। तो जब इवेंट होता है तो इवेंट वाले दिन भी हम 2 या 3 घंटे के लिए हॉल बुक करते हैं, सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों से उधर हॉल में इकट्ठे होते हैं, वहीं से अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो वो आपकी बात ठीक है, ये जो हॉल बुक होते हैं ये भी डेस्टिनेशन वेडिंग ही है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीप सी किस्म है। अब डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो बड़ी आगे चली गई है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है वो क्यूबा है, कैरेबियन कंट्रीज में आता है, कैरेबियन सी में ना, क्यूबा के अंदर एक वो मतलब के जो स्याह पांव होते हैं वो एक फीमेल थी, स्याह लेकिन ये है कि लोग करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, एंजॉय करते हैं लाइफ को। हाँ जी, अच्छा जी, ब्लू और इधर हो गया, अब आगे आएंगी लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड किसकी है, चाइना। जैसे हमारी पार्लियामेंट है उसकी 342 सीट है, तो लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड चाइना है, उसकी 2980 सीटें हैं। अच्छा, शॉर्टेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड,
शॉर्टेस्ट पार्लियामेंट, कि जिसकी पार्लियामेंट सबसे महदूद हो, सीटें कम से कम हो। एक कंट्री है बेसिकली वो जंजीरों में सिस्टम है, उसको कहते हैं कोकोस। आईलैंड है ये, ठीक है। और एक है वेटिकन सिटी। ये दो मुमानी कहते हैं जिनकी पार्लियामेंट सबसे छोटी है दुनिया में, और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने कितने हैं, दोनों के एज कितने हैं, ओनली 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ 7 उनके होते हैं। मैंने समझना जी, इसके भी 7 और इसके भी 7। जी हाँ, वो लाइफ टाइम के लिए है, उसके कामों की वजह से, उसके अच्छे कामों की वजह से, कि उसने चाइना को बड़ा आगे तक लेके गया, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह, इसलिए उसको लाइफ टाइम जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अच्छा खैर, हम टॉपिक से हट रहे थे। ये हो गया जी लार्जेस्ट पार्लियामेंट